हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दी शहनवाज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए नई रेल लाइन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, फर्रुखाबाद से मैलानी के बीच में नई रेल लाइन को बिछाने के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। तो क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है प्रिंट मीडिया में, इसके बारे में भी आप सभी को हम बताते हैं इस वीडियो में। शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद और खीरी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने फर्रुखाबाद शाहजहांपुर मैलानी रेलवे लाइन की स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर को दी। अरुण सागर ने हिंदुस्तान को बताया कि यह रेल लाइन स्वीकृत होने से तरक्की का बड़ा मार्ग खुलेगा। बताया कि इस रेल प्रखंड पर ट्रेन चलने से आलागंज, जलालाबाद, कांट, ददरोल, पुवाया, खुटार, बांडा के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही फर्रुखाबाद और लखीमपुर के लोग भी लंबावित होंगे। इस रेल प्रखंड के लिए दशकों से मांग हो रही थी। हर बार चुनाव में यह मुद्दा बनता था। जलालाबाद और पुवाया में इस रेल ट्रैक की मांग के लिए संगठन तक बने, जो अब तक ज्ञानबाजी करते रहे। वर्षों से जिस रेलवे लाइन की स्वीकृति के लिए लोग आस लगाए बैठे थे, उस फर्रुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन की रेल मंत्री द्वारा स्वीकृति के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उक्त जानकारी सांसद अरुण सागर ने दिल्ली से फोन वार्ता कर दी। रेलवे लाइन की स्वीकृति की खबर सुनकर शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि फर्रुखाबाद व लखीमपुर खीरी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है। बता दें कि फर्रुखाबाद शाहजहांपुर मैलानी रेलवे लाइन बिछने से शाहजहांपुर लखीमपुर खीरी के साथ पड़ोसी मुल्क नेपाल तक यातायात सुगम होगा और आर्थिक, शिक्षा, व्यवसाय के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में विकास के पंख लगेंगे और पिछड़ापन दूर होने के द्वार खुलेंगे। उक्त रेलवे लाइन स्वीकृत होने को लेकर ना जाने कितने चुनाव लोकसभा के हो गए और जब लाइन स्वीकृति नहीं हो पाई तो लोग इसको चुनावी मुद्दा मान लेते थे। सांसद अरुण सागर ने बताया कि बहुत जल्द रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेल मंत्री की तरफ से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। जमीन अधिग्रहण व परियोजना के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया है। फर्रुखाबाद शाहजहांपुर मैलानी रेलवे लाइन से संबंधित दस्तावेज पूरे किए जा चुके हैं। बहुत जल्द इस रेलवे लाइन पर लोग सफ़र भी कर सकेंगे। सांसद ने रेलवे लाइन के मुद्दे को गंभीरता से लेने पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने भी मामले को लेकर पूर्व में रेल मंत्री से मुलाकात की थी। आंवला सांसद नीरज मोर्या ने भी संसद में इस मामले पर रेल मंत्री से सवाल किया था। 2013 में हुआ था रेलवे लाइन का सर्वे। फर्रुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन बिछाने की दशकों पुरानी मांग पर कांग्रेस सरकार ने 2013 में सर्वे शुरू कराया था, लेकिन बाद में यह सर्वे सिर्फ फाइलों में धूल फांकने के लिए अलमारियों में रख दिया गया था। फर्रुखाबाद से शुरू हुए सर्वे में जुटी टीम जलालाबाद क्षेत्र में नाप झोंक की थी। कांट के बाद बंथरा के समीप बरेली लखनऊ जाने वाले रेलवे ट्रैक से जोड़ दिए जाने की बात सर्वे में कही गई थी। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से जिस पल का लोगों को इंतज़ार था, आखिरकार उस पल के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद मैलानी नई रेलवे लाइन की। तो शाहजहांपुर सीट से लोकसभा सांसद श्री अरुण सागर जी ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से दिल्ली में जाकर मुलाकात की और मैलानी से फर्रुखाबाद तक नई रेल लाइन को बिछाने के लिए मुद्दा उठाया, जिसको लेकर रेल मंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और आने वाले समय में बहुत जल्द शाहजहांपुर होते हुए फर्रुखाबाद तक जो मैलानी से रेल लाइन बिछनी है उस पर काम शुरू किया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी काम से जुड़ी हुई, उसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। फ़िलहाल आप सभी को इस वीडियो में जो प्रिंट मीडिया की तरफ से खबर प्रकाशित हुई है उसकी कटिंग मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल दी शहनवाज पर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।